हेलो फ्रेंड्स, आजकल लगभग दोस्तों सभी फ़ोटो एडिटिंग करते हैं, लेकिन उसमें बैकग्राउंड इरेज करने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो घंटों लग जाते हैं अच्छी क्वालिटी के बैकग्राउंड इरेज करने में, क्लियर इरेज करने में। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कुछ ही सेकेंडों में आप अपने बैकग्राउंड फ़ोटो के बैकग्राउंड को क्लियरली अच्छे से इरेज कर पाएंगे इसकी मदद से। तो फ्रेंड्स, मैं एक ऐप डाउनलोड किया हूँ, आप जाके प्ले स्टोर में उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या इस ऐप का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो फ्रेंड्स, आपको प्ले स्टोर में चले जाना है, मैं सीधे इस ऐप को ओपन करके बताता हूँ। दोस्तों, इस ऐप को आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है बैकग्राउंड इरेजर करके एक ऐप है, उसके मदद से आप इरेज कर पाएंगे। तो इस ऐप को मैं ओपन कर लेता हूँ और आपको नीचे में लोड अ फोटो करके एक ऑप्शन दिया है, इसमें आपको जाना है। उसके बाद आप सीधा गैलरी या फाइल मैनेजर पे चले जाएंगे। आप जिस फ़ोटो को इरेज करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लिए, मैं यहाँ पे एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये फ़ोटो सिलेक्ट हो चुका है फ्रेंड्स, और ऊपर में डन का ऑप्शन है, उसको डन को दबा देंगे। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, एक्सट्रैक्ट है, ऑटो है, मैजिक है, मैनुअल है, और रिपेयर है, और जूम है। तो दोस्तों, अभी मैनुअल पर सेलेक्ट है। मैनुअल क्या होता है दोस्तों, कि जैसे आप ये है, इसकी मदद से आप जहाँ चाहें ले जाके अपने बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हैं इसकी मदद से। तो इसमें बहुत टाइम लग सकता है दोस्तों। तो हम चले जाते हैं ऑटो पे, स्टार जो दिखाया हुआ है दिखा है उस पर चले जाते हैं, और यहाँ ऑटो में चले जाएंगे, और इसकी मदद से बहुत आसानी से हम बैकग्राउंड अपना इरेज कर पाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, प्लस का निशान जैसे दिख रहा है, उसके पॉइंट पे जो क्रॉस हो रहा है, उस पॉइंट पे जो कलर आएगा उस वो कलर इरेज हो जाएगा। तो हम ले जाते हैं कहीं पे, और जैसे ही हम अपने फिंगर को उठाएंगे ऊपर, तो ऑटोमेटिक इरेज हो जाएगा। जैसे देखते हैं, यहाँ मैं ले कहीं पर ले जाता हूँ और ये छोड़ देता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, एकदम आसानी से इरेज हो चुका है। यहाँ पर भी ले जा के मैं छोड़ देता हूँ, ये भी इरेज, और ये ऐसे। दोस्तों, इस प्रकार से आपको इरेज करते रहना है, जैसे कि जो कलर रहेगा उसी कलर के हिसाब से इसमें बैकग्राउंड इरेज होगा। जो कलर साथ में एक साथ रहेगा वही कलर इरेज होगा, जो पॉइंट पे प्लस के पॉइंट पे जो आएगा वही कलर इरेज होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, आप इरेज हो चुका है। अब कई बार दोस्तों ये होता है कि जैसे मैनुअल पर हम लोग हैं और गलती से इधर उधर इरेज हो चुका, जो इरेज हमें नहीं करना है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, जैसे कि मैनुअल साइज लिखा है, उसके बगल में राइट साइड पे 13 लिखा हुआ है, उस पर आप जाके बार बार क्लिक करेंगे तो जो इरेज गलती से हुआ रहेगा वो रिपेयर हो जाएगा, मतलब कि पहले जैसे हो जाएगा इसकी मदद से। और जैसे बाद में फिर अगर इरेज करना चाहते हैं गलती से, फिर अब बैक कर लिए हैं, तो फिर राइट साइड पर जाके 1 लिखा है जिसमें, इसमें उसको दबा के फिर इरेज कर सकते हैं या फिर वापस आ सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हो जाएगा। उसके बाद हमें डन कर देना ऊपर में। डन करने के बाद देख सकते हैं दोस्तों, आप इरेज हो चुका। और उसके बाद इसके एजेस देख सकते हैं दोस्तों, अच्छे से क्लियरली नहीं हुआ है क्लियर, तो आप नीचे में देख सकते हैं स्मूथ करके है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 करके ऑप्शन है, इसमें आप 1, 2, 3, 4, 5 तक का ऑप्शन मिलेगा। इसमें 5 तक जाएंगे तो स्मूथली पूरा इसके एजेस जो हैं आपके फ़ोटो का अच्छे से क्लियरली इसमें इरेज हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है कि ऊपर में जाके ये फ़ोटो को अपने गैलरी में सेव कर लेना है, जैसे दोस्तों सेव हो सकता है देख सकते हैं। उसके बाद फिनिश कर देना है। तो ये दोस्तों हो चुका, ये आपके गैलरी में सेव। आई होप दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा, आप लोग करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।